कोरोना वायरस को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन एवं तपती दोपहरी के बीच आरा के व्यवसायियों ने जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री पहुंचाने का अभियान छठे दिन भी जारी रखा। बुधवार की दोपहर व्यवसायियों ने उदवंत नगर प्रखंड के सरथुआ तिवारी टोला एवं पियनिया पश्चिम नहर के समीप महादलित बस्ती में राहत का वितरण कार्य किया। भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त सचिव आदित्य विजय जैन एवं व्यवसायी संघ के अध्यक्ष प्रेम पंकज उर्फ ललन ने बताया कि शहर के अलावा सुदूर ग्रामीण इलाकों के जरूरतमंद लोगों के बीच भी राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। लोग राशन सामग्री पाकर काफी खुश दिख रहे हैं। इस दौरान बुजुर्ग वितरण करने वालों को आशीर्वाद एवं दुआएं भी दे रहे हैं। आदित्य विजय जैन एवं प्रेम पंकज ने कहा कि इस विपदा की घड़ी में हर वर्ग के लोगों को आगे आकर जरूरतमंद लोगों को मदद करनी चाहिए। जरूरतमंदों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, उनकी सेवा है कर दुआएं लेनी चाहिए। प्रेम पंकज ललन ने कहा कि राहत वितरण के अभियान में प्रतिदिन व्यवसायी अपना योगदान दे रहे हैं, व्यवसायियों के सहयोग से ही यह अभियान सार्थक हो रहा है। उन्होंने कहा कि शहर के चारों तरफ अनेकों संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन शहर से बाहर ग्रामीण इलाकों में सभी नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हम लोग शहर के बाहर ग्रामीण इलाकों में बांट रहे हैं। आगे भी जरूरतमंद लोगों के बीच राहत पहुंचाने का कार्य जारी रहेगा। पैकिंग करने व डिस्ट्रीब्यूशन में सहयोग करने वाले संतोष कुमार गुप्ता, आलोक रंजन, मोनू यादव, संजय कुमार, संजय तिवारी, जय प्रकाश, टुनटुन, संजय पांडे, हरिशंकर कुमार, मुन्ना, सरोज सिंह, जितेंद्र आदि हैं। राहत वितरण सहयोग करने वालों में आलोक बेरिया, सन्नी सहबादी, प्रदीप बदलानी, आदेश जैन, मनोज गुप्ता, प्रदीप नारायण दास, मनीष अग्रवाल, अविनाश अग्रवाल, प्रकाश चंद्र अग्रवाल, अलख नारायण दास, ऋषभ जैन, अंशु जैन, नीरज जैन, धीरेन्द्र जैन, मनोज खेमानी, छोटेलाल अग्रवाल, श्याम नारायण बेड़िया, मतादीन अग्रवाल, अजय जैन, मनीष कुमार दास, अंजनी, संजय जलान, मनोहर कुमार, पंकज प्रभाकर, विंध्याचल केसरी, उमेश प्रसाद, राजीव रंजन, राम प्रताप सिंह, आकाश केसरी, प्रिंस सिंह, मुन्ना सिंह, संतोष कुमार गुप्ता, शंभुनाथ प्रसाद, विष्णु शंकर प्रसाद, मदन प्रसाद, अमित जैन, निखिल जैन आदि उपस्थित रहे। ले जाके गांव के अंदर में बांटने का काम करेंगे। ये देखिए ले जाते हुए दो दो पैकेट, दो दो पैकेट सब लोग लेके जा रहे हैं। और ये राहत सामग्री का छठा दिन है। लगातार छह दिनों से हम लोग राहत सामग्री गरीब को पहुंचा रहे हैं कि कोई भी गरीब भूखा ना रहे, सबके घर में ये पैकेट पहुंच जाए ताकि कोई भूख से ना मरे। और ये दलित बस्ती में पियनिया तिवारी टोला जिसको ये लोग बोलते हैं, ये देखिए हम लोग का प्रयास है कि कोई भी लोग भूखा ना रहे और हम लोग रात दिन मेहनत करके सबके जगह घर पे पहुंचा रहे हैं। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लॉकडाउन में कोई घर से बाहर नहीं निकले, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अति पिछड़ा लोग के बस्ती में यहाँ आए हुए। आप देख सकते हैं गरीब जो कि रोज खाने कमाने वाले हैं और अगर रोज नहीं कमाते तो उनकी भुखमरी की स्थिति बन जाती है। उससे आज लॉकडाउन के कई दिन के लॉकडाउन की पूरी स्थिति के लेकर हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो वो कहना है कि सरकार की तरफ से अनुमानित फंड में कुछ भी इनको नहीं मिला है और इसमें हम लोग व्यवसायियों के द्वारा शहर के विभिन्न व्यवसायियों के सहयोग से 14 दिनों का राशन लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। सभी का कहना है कि सरकार का भी इनको सहयोग मिलना चाहिए ताकि इसे कई दर्ज लॉकडाउन में जो स्कीम की बनी हुई है काफी आप देख सकते हैं पूरा काफी बुरा स्थिति में ये लोग पियनिया के पास महादलितों की बस्ती में आए हुए हैं। सभी का कहना है कि सरकार के द्वारा जो रिलीफ कई करोड़ रुपया
पास हुआ है उनके अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। मैं बताना पूछना चाहूंगा इन लोगों से, हाँ बताइए सर, पैसा जो सरकार के तरफ से 2000 रुपए अकाउंट में आने के बाद पैसा आ गया बा? आपके खाता में कुछ भी नहीं आया है? खाता खुलल बा सब लोग के बाद बैंक में खाता खुल गई बा, पैसा नहीं आई ले पैसा जो 2000 रुपए रिलीफ फंड में आना है अभी तक नहीं आया है, इसलिए काफी परेशानी है इन लोगों का। क्या दिक्कत होता है सब कभी बंदी में कैसे क्या दिक्कत होता है? कुछ नहीं के मिला था बन पानी के चाटा चाउर सब ये दिक्कत बा। इनका कहना है कि अभी तक सरकार के तरफ से कोई रिलीफ फंड नहीं पहुंचा है, इसलिए काफी रउआ सब विधवा बनी और ये लोग विधवा हैं जिनके और कोई नहीं है लोग जिनको इनको राशन वगैरह लाकर पहुंचाया करावे, ये लोग रोज खाने कमाने वाले लोग हैं। पियनिया के पास से महादलितों की बस्ती में आए हुए हैं, सभी का कहना है कि सरकार के द्वारा जो रिलीफ कई करोड़ रुपया पास हुआ है उनके अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। मैं बताना पूछना चाहूंगा इन लोगों से, हाँ बताइए सर, पैसा जो सरकार के तरफ से 2000 रुपए अकाउंट में आने के बाद पैसा आ गया बा? आपके खाता में कुछ भी नहीं आया है? खाता खुलल बा सब लोग के बाद बैंक में खाता खुल गया बा, पैसा नहीं खे आई ले पैसा जो 2000 रुपए रिलीफ फंड में आना है अभी तक नहीं आया है, इसलिए काफी परेशानी है इन लोगों का। क्या दिक्कत होता है सब कभी बंदी में कैसे क्या दिक्कत होता है? कुछ नहीं के मिला था बन पानी के चाटा चाउर सब ये दिक्कत बा। इनका कहना है कि अभी तक सरकार के तरफ से कोई रिलीफ फंड नहीं पहुंचा है, इसलिए काफी रउआ सब विधवा बनी और ये लोग विधवा हैं जिनके और कोई नहीं है लोग जिनको इनको राशन वगैरह लाकर पहुंचाया करावे, ये लोग रोज खाने कमाने वाले लोग।